गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 3, मतलब आज है 29 तारीख और हमारा तीसरा दिन हमारी ट्रिप का। तो आज अभी तो एक्चुअली 1:30 हो रहे हैं दोपहर के, क्योंकि सुबह का स्लॉट हमने खाली रखा था। कल हम एक्चुअली वो गए, जैसा आपको पता है हम गए थे अबू धाबी में, हम फरारी वर्ल्ड और मॉस्क गए, तो वहाँ पे बहुत वॉक करना पड़ा था। तो मेरे मम्मा पापा में तीनों ही टायर्ड थे, तो आज का मॉर्निंग हमने रेस्ट किया, थोड़ा आसपास गया, थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह जो रिक्वायर्ड था रूम के लिए वो सब किया। अब हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी पे। तो आज का मतलब एक और नया एक्साइटिंग है। अभी थोड़ी देर में अराउंड 10-15 मिनट्स में हमें कार लेने आएगी, वहाँ से हम जाएंगे डेजर्ट। पहले ड्यून बैशिंग वगैरह सब होगा, बहुत कुछ है आज के लिए भी। लगभग अभी 2 बजे से शुरू होके ये लगभग रात को 9 बजे तक चलेगा, तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है आज। तो चलिए आज हम आपको डेजर्ट सफारी पे लेके चलते हैं, लेट्स गो। अभी लगभग 1 घंटे की जर्नी करके हम लोग रुके हैं यहाँ एक सुपरमार्केट में। यहाँ पे हमारा 5 से 10 मिनट का भी स्टे है, फ्रेश वगैरह वगैरह जिसको। और अभी अगर हमारे आसपास देखें, यहाँ पे रेगिस्तान, उधर रेगिस्तान, बस हर जगह रेगिस्तान है। यहाँ बस थोड़ी बहुत 3-4 दुकानें हैं, बस वही मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे अभी। और ऊपर से एक मिनट, अभी मैं आ रहा हूँ ना, लगभग आधे घंटे पहले से यहाँ पे रेगिस्तान आना शुरू होगा। और जैसे हम रेगिस्तान के आसपास आए ना, मुझे रास्ते पे सिर्फ लैंड क्रूजर दिख रही हैं। मेरे लेफ्ट लैंड क्रूजर, राइट लैंड क्रूजर ही दिख रही है मेरे को हर जगह। भाई 1 करोड़ या पता नहीं कितने की गाड़ी है वो, यहाँ पे मतलब स्विफ्टों की तरह चल रही है लैंड क्रूजर। भाई साहब कैसा होना चाहिए इतना लैंड क्रूजर भाई, यहाँ अभी ये गई 2-3 ऐसे लैंड क्रूजर जा रही है बस। चलो अभी यहाँ पे स्टे है, थोड़ा हम रेस्ट वगैरह करेंगे, फिर हमारा दोबारा आगे जाएंगे। यहाँ पे पहले जाके जिस तरह मेरे को बंदे ने बताया, पहले हमारा वहाँ पे क्वाड बाइक होएगा, क्वाड बाइक करेंगे, क्वाड बाइक के बाद हम जाएंगे ड्यून बैशिंग पे। ड्यून बैशिंग के टाइम पे हमें भी एक लैंड क्रूजर में चढ़ाया जाएगा, उस पर हम ड्यून बैशिंग करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलो भाई, आई एम एक्साइटेड। लोग मैं आया हूँ बाइक राइड पे, क्वाड बाइक पे बैठा हूँ मैं अभी। यहाँ पे राइड चल रही है, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से वीडियो बना लूँगा। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं आसपास, सभी यहाँ पे क्वाड बाइक कर रहे हैं, भाई मज़ा बहुत आ रहा है। मेरे पापा अलग से वीडियो बनाएंगे, वो भी मैं डाल दूंगा। चलो चलते हैं।
हेलो, बहुत मज़ा आया भाई। इतनी देर से मैं क्वाड बाइक पे राइड कर रहा हूँ भाई, मतलब मैं हमारा टाइम एक्चुअली 20 मिनट का था, बट 20 मिनट से लगभग काफ़ी ज़्यादा हो गया, कोई रोक नहीं रहा था। मैं चलाई जा रहा हूँ, इधर ड्रिफ्ट मार रहा हूँ, उधर ड्रिफ्ट मार रहा हूँ, मज़ा आ गया भाई। मेरे घर वालों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो मैं वो सब देख के, जिसमें से जो जो अच्छा अच्छा सीन है, ऑब्वियसली अच्छा सीन देना होता है मेरे को, तो अच्छे अच्छे सीन जो है वो मैं डालूंगा वीडियो में। बाकी अब हमारा नेक्स्ट है कैंप, कैंप स्टॉप पे जाके हमारा बाकी सब इवेंट और आगे बढ़ेगा। चलो चलते हैं। तो अभी ये हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, लगभग बेली डांस। ओके, थोड़ा वियर्ड है बट थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। ये अभी फर्स्ट परफॉर्मेंस करी है हमने अभी, बट अभी तो जस्ट शुरू हुआ, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है।
अभी आगे आगे और देखते हैं क्या क्या होता है, जो जो इंटरेस्टिंग लगता रहेगा मैं आप सबको वीडियो बना के दिखाता रहूंगा। जस्ट हम लोग इवेंट ख़त्म करके आए हैं, अभी यहाँ पे हम रेगिस्तान में खड़े हैं, लिटरली रेगिस्तान में। इधर यहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ आएंगी जिस तरह ड्यून बैशिंग होके गई थी, ओके यहाँ ड्यून बैशिंग करके हम लोग यहाँ आए थे। वैसे अब ड्यून बैशिंग नहीं होगी क्योंकि अंधेरा हो गया है, जैसे आप देख ही सकते हो अंधेरा हो गया है, तो मतलब ड्यून बैशिंग नहीं करवाएंगे। थोड़ा बहुत ये लोग ऐसे ही थोड़ा ऊपर नीचे से जैसे नॉर्मली जाएंगे जाएंगे, उसके बाद फिर हम वापस यहाँ पे जहाँ जिस वैन से आए थे उस वैन से जाएंगे, उसके बाद बैक टू कोटा। ये अभी आपने देखा, ये हमारे एंडिंग में एक तरह से थोड़ा ड्यून बैशिंग करते हुए फिनिशिंग। अभी इसके बाद हम अपने जिस वैन में आए थे उसी वैन में हम जाएंगे वापस, तो अभी हम वो वैन में जाएंगे वहाँ से लेकर वापस होटल को। तो बीच में अभी तो अंधेरा है, मैं जैसे मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा अभी, तो जितना रिकॉर्ड होगा उतना करेंगे। लेट्स गो।